Hello everyone, this is Rupal Purohit and today I'm in conversation with Manjot Singh. You may know him as Lali. And Lucky. Yeah, also Lucky. Yeah. Hello, welcome to Sine Speaks. Thank you, Ji. Firstly, Dream Girl. So how did that happen to you? पहले आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm just waiting for 13 September now. सुपर यार, थैंक यू. आपको डेट भी पता है, कभी वो डेट नहीं पता होती. सो 13 September आ रही है ड्रीम गर्ल. फाइनली आई एम वेरी एक्साइटेड. इवन होल बालाजी टीम इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस बार. ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना है तो कॉन्सेप्ट अलग होगा ही. सो जब मेरे को पता चला था आयुष्मान खुराना है, मैंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर दी फिल्म. मैंने कहा नहीं, मुझे टेंशन है ही नहीं कि स्क्रिप्ट कैसे होने वाली, क्या होने वाला है, बस रोल अच्छा है, हाँ ठीक है, डन. तो बहुत ही जब मैं नरेशन के लिए गया उसके बाद, और बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट लिखी गई थी ऑन पेपर्स, बहुत अमेजिंग थी. एंड जब एक हर एक एक्टर एक ग्रीडी तो होता ही है, तो भी मैं आपके जितना भी मॉडेस्ट बन जाऊँ, बट एक लालच होता है. एंड तो मैं अपने मैं सोच के गया था मैं ये पूछूंगा, अच्छा मेरा ऐसा क्यों है, ये है क्या है अकॉर्डिंगली. तो जब मैं वहाँ गया, मुझे राज चांडिले जो डायरेक्टर हैं वो नरेशन दे रहे थे, तो मैं बस आधा एक घंटा हंसता रहा थ्रू आउट. मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं पूछूं उनसे यार मेरा रोल अच्छा ही है, बट मैं हंसता रहा. मैंने हाँ स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई मुझे, मैंने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ डन. और कुछ नहीं है, सब डाउट क्लियर हो गए. तो आप अपना कैरेक्टर थोड़ा शेयर कर सकते हैं? कैरेक्टर मेरा ड्रीम गर्ल में है, बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं आयुष्मान खुराना का. एंड वो हम बचपन से लेके जवानी तक हमेशा साथ रहे हैं. ट्रेलर में मैं थोड़ा कम दिखाऊंगा, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जितने भी पंचेज हैं वो जब मूवी में लोग देखेंगे मज़ा आएगा, क्योंकि ट्रेलर में देखने के बाद लोग को थोड़ा थिएटर में फिर हंसते नहीं है वो. तो आई एम ग्लैड कि ऐसा हुआ है. तो बाकी वो हमेशा बचपन से लेके जवानी तक साथ रहे हैं, और जो भी उनकी जैसे वॉइस फीमेल वॉइस का टैलेंट है तो निकालते, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फंसते हैं जो भी है. तो हंसने वाला भी मैं ही हूँ, उनके साथ खड़े रहने वाला भी मैं ही हूँ. अच्छा. तो हमेशा उनके साथ रहा हूँ मैं. और अनु कपूर जी हैं उसमें, और विजय राज हैं, अभिषेक बैनर्जी हैं, निधि राज. तो बहुत ही एक ऑनसेंबल कास्ट है. और जिनको भी मैं बताता था कि यार मैं एक फिल्म कर रहा हूँ ड्रीम गर्ल, अरे ये नाम तो बहुत है, कौन है, हेमा मालिनी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं एक नया कॉन्सेप्ट है और आयुष्मान खुराना है और ये हैं. तो सबको कास्ट में इतना पसंद आता है, मतलब पसंद आती थी कास्ट की, यार ये तो बहुत बढ़िया कास्ट है यार, ऐसी कास्ट तो मैं देखी नहीं कभी एक्सेप्ट आयुष्मान एंड अनु कपूर जी बिकॉज वो विकी डोनर में साथ है. पर ये एक बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट है, मज़ेदार कास्टिंग है, मज़ेदार डायलॉग्स के साथ 13 सितंबर को लोग पागल होने वाले हैं. सो ट्रेलर के साथ जैसे ट्रेलर रिलीज हो बहुत अच्छे रिस्पांस मिलने लगे आपको? बिल्कुल, रिस्पांस ट्रेलर को बहुत अच्छा मिला है. और लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि जिनसे भी मैं पूछ रहा हूँ सब यही कह रहे हैं कि यार एक फिल्म होती है देख के पता चलता है हिट होगी कि नहीं, ये ट्रेलर से ही हिट है. तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है. ऊपर से मीम्स इतने बनने लग गए हैं, तो ये भी पॉजिटिव बात है कि मतलब ट्रेलर हिट है. मंजोत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कभी पहले एक्टिंग की नहीं अपने स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी? बिल्कुल, वेरी राइट. है ना, तो आपको कैसे एक्टिंग का शौक चढ़ा कि आपने ऑडिशंस दिया और थोड़ा ट्राई किया कि नहीं बॉलीवुड में जाना चाहिए? सी ना मुझे कभी शौक चढ़ा, ना मैंने मुझे बॉलीवुड का कोई चस्का था कि मुझे जाना है. बस एक बार मुझे फ्रेंड ने बताया कि मैं ऑडिशन दे के आया हूँ, तो मैंने कहा अच्छा, तो यार तो एक हर दिल्ली वाले में चुल होती है, मैंने ऐसी बोल दिया कि यार मुझे भी देना है. तो ना मैंने सीरियसली बोला उससे बात, और उसने लकीली और उसी टाइम इंटरेस्ट दिखाया, उसने उसी टाइम कॉल कर दिया. अगर वो नहीं करता तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे बोलता भी नहीं, बहुत ही कैजुअली मैंने ऐसे बोल दिया. तो वो ले गया मुझे और आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द फिल्म ओए लक्की. और फिर मैं दोबारा गया ऑडिशन के लिए दिबाकर बैनर्जी के सामने, तो मैं नर्वस था उस टाइम पे. फिर बाद में ऑडिशन दिया, फिर बाद में पता चला मैं हूँ कर रहा हूँ फिल्म. और उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई थी यार, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, और आपको एकदम से फिल्म मिल जाती है विद अ नोन डायरेक्टर विद अ नोन बैनर यूटीवी. तो बहुत ही मेरे लिए वो कहते हैं ना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, पर मैंने तो कभी ड्रीम ही नहीं देखा था मैं फिल्म्स करूँगा.
बस आपने ट्राई किया और ट्राई किया, वो बहुत ही फ्लूक लक। था, फ्लूक हाँ, डेस्टिनी हाँ कह सकते हो, लक कह सकते हो कि फाइनली यहाँ पे मैं आ गया हूँ और आपके सामने बैठ के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर आपके लिए क्या डिफिकल्ट था सर्वाइव करने इस इंडस्ट्री में बीइंग एन आउटसाइडर? ज़्यादा नहीं, क्योंकि मे बी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अपने आप रोल्स मिलते गए। जब मुझे वो लकी मिली तो मुझे था कि ठीक है सब अच्छा है, तो उसके बाद मुझे उसके लिए अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर। तो मुझे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, क्योंकि पहले सब तारीफ कर रहे थे तो मुझे लगा सब तारीफ तो करते हैं मुंह पे, पर जब अवार्ड मिला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार कुछ तो किया है, वरना ऐसे कोई इतना बड़ा अवार्ड कोई देता नहीं है फॉर अ 15 मिनट रोल। तो तब फिर मुझे ऑटोमेटिकली मूवीज़ के ऑफर्स आने लग गए, और मैं दिल्ली से मैं स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं 9th क्लास में था, तो अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ धीरे धीरे। फिर आपकी ओए लकी लकी, ओए लकी, फिर उड़ान, उड़ान ऑफ द फुकरे, फुकरे में आपका कैरेक्टर लाली ज़्यादा रिलेट हुआ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। सर आपको लगता है आफ्टर फुकरे या इमेजेस टाइप का लाइक वरुण शर्मा को हम एज अ चूचा पहचानते हैं, एंड आफ्टर दैट उनकी जो भी मूवीज है ये एक एसेंस ऑफ चूचा दिखता है, सो आपका क्या कहना है कि लाली का आपका इमेज वैसा टाइपकास्ट हो गया है या नहीं? लाली का आई डोंट थिंक सो, मेरा इतना है क्योंकि मैंने हमेशा लकी मेरा अलग रहा है, मेरा उड़ान में अलग रहा है, और मेरा फुकरे में अलग रहा है, और अभी जो ड्रीम गर्ल है उसमें टोटली अलग है। हाँ मतलब ऐसा नहीं लगेगा यार कि लाली है, अगर आप जब मुझे देखोगे ड्रीम गर्ल में तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा यार लकी या लाली कर रहा है, ये बंदा अलग है जो अलग कैरेक्टर है उसमें वैसा लगेगा। सो वो सही है। सर आयुष्मान खुराना के साथ आपकी ये फर्स्ट मूवी है, हाँ जी, और बालाजी मोशन पिक्चर्स भी है, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं तो एक्साइटेड ही इसलिए था कि आयुष्मान खुराना है फिल्म में, मैं फिल्म कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। ऊपर से उन्होंने इतना एक था ना कि ये उस टाइम पे वो हाइप हो गई थी अंधाधुन फिर बधाई हो, तो उस टाइम पे मुझे था यार अब यार पता नहीं कैसे उनका बिहेवियर रहेगा, बट वो एकदम जैसे पहले मुझे बहुत पहले एक बार मिले थे, मतलब वैसे ही हम्बल, डाउन टू अर्थ वैसे ही मिले मुझे, और एक भाई की तरह उन्होंने ट्रीट किया थ्रू आउट फिल्म। ऐसा नहीं कि यार कोई एक्टर अच्छा नहीं मैं अपना अपनी स्पेस में, नहीं मतलब हम साथ में रोज चिल करना, साथ में खाना खाना, एक वो पंजाबी कनेक्शन भी है ऊपर से, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ, एक वो होता है ना अपनापन, एक वाइब मैच कर जाती है, तो बहुत ही जेम बंदे हैं वो, और वही कहते हैं ना जेम आदमी है तभी वो आज इस पोजीशन पे है। सो ड्रीम गर्ल वॉज अ फन जर्नी, फन आपको देख के समझ आ जाएगा 13 सितंबर वो कितनी फन जर्नी है। ओके सो नाउ वी विल डू अ क्विक फन सेगमेंट, इट इज वुड यू रादर, वुड यू रादर, ओके। सो फर्स्ट इज वुड यू रादर लूज योर फोटोज और लूज ऑल योर कॉन्टैक्ट्स? फोटोज, कॉन्टैक्ट रखना चाहोगे तो फोन में सो गया तो कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा। सही बात है, कॉन्टैक्ट नहीं होंगे काम कैसे करूँगा मैं। वुड यू रादर लॉक्ड इनसाइड अ ग्रॉसरी स्टोर और लॉक्ड इन अ लाइब्रेरी? ग्रॉसरी स्टोर ऑब्वियसली, आई हेट रीडिंग। वुड यू ईट एट अ रेस्टोरेंट अलोन और गो टू सिनेमा बाय योरसेल्फ? आई थिंक बोथ, ऐसा कुछ कुछ है नहीं किया, अकेले खाना खा चले गए, अकेले मूवी देखने, मैंने दोनों किए हैं लाइफ में। Would you rather go 10 years back in time or go 10 years forward in time? Back. क्यों ऐसा? अपनी गलतियाँ, कुछ जो मैंने गलतियाँ की हैं वो सुधारने के लिए। अच्छा। मैं बता नहीं सकता गलतियाँ क्या हैं, पर हाँ। Would you rather have 5 million followers on Instagram or 5 million in account, bank account? 5 million in account. Would you rather grace the cover of your favorite magazine or become the lead singer of your favorite band? Lead singer. That's good. It's not just because I'm a Punjabi or aisa nahi, but obviously, agar lead singer banunga magazine pe aa jaunga. Favorite band kaun sa hai sir? फेवरेट बैंड यार मुझे ऐसे नहीं, बहुत सारे बहुत सारे हैं और मुझे काफ़ी आजकल गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। वुड यू रादर अंडरस्टैंड एंड टॉक टू एनिमल्स और नो हाउ टू स्पीक एवरी लैंग्वेज? हाउ टू टॉक टू एनिमल्स, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं पाते, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं,
अगर वो बंदा कोई समझ ले तो बहुत ज़्यादा फिर उनकी भी हेल्प कर हेल्प पाएंगे। करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वुड यू रादर बी हैरी पॉटर और जॉन स्नो? जॉन स्नो, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं। वुड यू रादर बी फेमस और रिच? फेमस वुड यू रादर शॉप ऑनलाइन और इन स्टोर्स? इन स्टोर्स आए क्योंकि नहीं, मुझे साइज नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ ये है, मैं हर चीज़ बहुत ही पिकी हूँ, चूजी हूँ। मुझे जब तक मैं ट्राई ना करूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। कुछ गलत आ जाए तो मुझे घर में चाहिए नहीं वो, अच्छा मेरे को या तो चेंज करो या तो मुझे मत दो। आई एम लाइक दैट। सो दैट वॉज ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद यू। थैंक यू सो लास्टली यू मच। लाइक टू से एनी मैसेज टू योर फैंस एंड आई ऑडियंस? जस्ट वॉन्ट से वन थिंग, प्लीज प्लीज़ अपना इन्वायरमेंट को क्लीन रखो, डोंट यूज़ प्लास्टिक मच, और जितना कम से कम प्लास्टिक हो सके यूज़ करो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है उसको दोबारा रिसाइकल होने में, और बहुत ही हार्मफुल चीज़ है वो। एंड यूज़ नॉन प्लास्टिक थिंग्स, एंड अपने और पेरेंट्स की भी केयर करो, क्योंकि ये टाइम है, उनको आपकी ज़रूरत है और आपको भी उनकी ज़रूरत है। तो ये दो चीज़ें मेरी हमेशा होती हैं, प्लीज़ एनवायरनमेंट और पेरेंट्स, इससे ऊपर कुछ नहीं दैट्स अ गुड मैसेज फ्रॉम अ है। यूथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।